रिव्यू करेंगे डोमिस्टाल एनपी 500 mg टेबलेट के बारे में और जानेंगे यह कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, किस तरीके से इस टेबलेट का यूज करें, दिन में कितना यूज करना चाहिए, इसकी डोज क्या होती है, क्या सावधानियां है इस टेबलेट की, क्या साइड इफेक्ट है इस टेबलेट के, तो संपूर्ण रिव्यू करेंगे दोस्तों इस टेबलेट का। दोस्तों डोमिस्टाल सिर्फ एक ब्रांड नेम है जो किसी कंपनी ने रखा है, इसे जो बनाई है जिस कंपनी का नाम है वो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो है दोस्तों नेप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम के अंदर, इसके साथ आता है डोमप्रेडोन 10 मिलीग्राम के अंदर। दोस्तों फुल रिव्यू करेंगे दोनों के बारे में। पहले प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको 60 रुपये की 10 टेबलेट यानी एक स्ट्रिप हर दवाई की दुकान पर मिल जाएगी। शेड्यूल एल्स के अंदर आते हैं दोस्तों ये दोनों सोल्ड, मतलब कहने का मतलब है डॉक्टर की सलाह से ही ये काम में लिया जाता है, सेल्फ यूज इसका मत कीजिएगा क्योंकि ये एलोपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, साइड इफेक्ट ला सकती है आपको यूज करने के बाद। बात करते हैं ये कब काम आती है। देखिए जो नेप्रोक्सिन है ये क्या कि माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन के अंदर जो आधा साइड का सिर दुखता है तो उसको रोकने के लिए ये काम आती है, माइग्रेन के इलाज के लिए काम नहीं आती है। दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि माइग्रेन के इलाज के लिए काम आती है, लेकिन माइग्रेन के इलाज के लिए कुछ और टेबलेट काम आती है, ये माइग्रेन से होने वाले दर्द में रिलीफ लाने के लिए काम में ली जाती है। तो ये क्या है दोस्तों, देखिए ये मतलब नॉन एस्टेरॉइड, मतलब ये एस्टेरॉइड नहीं है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करती है, सूजन को कम करती है, तो सूजन को कम करने के लिए काम में आती है। इसके साथ साथ अगर जोड़ों में दर्द है या फिर कोई चीज़ चोट लगने के कारण सूजन आ गई है, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, तो इन सभी प्रॉब्लम में ये काम आती है, पेन किलर के रूप में काम में ली जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग इसे पैरासीटामोल की तरह यूज करते हैं क्योंकि ये बुखार में भी काम आती है, बुखार को कम करती है, इन सभी प्रॉब्लम में काम करती है। अब बात करते हैं कि डोमप्रेडोन क्यों दे रखा है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो माइग्रेन की प्रॉब्लम में वोमिटिंग होती है, जी घबराता है, लाइट मतलब सरदर्द के साथ साथ जी भी घबराता है, तो उसके साथ ये दे रखा है डोमप्रेडोन ताकि वोमिटिंग को रोक सके, तो वोमिटिंग ना हो इसलिए ये साथ में कॉम्बिनेशन दे रखी है। अगर आपको मतलब ये नहीं चाहिए डोमप्रेडोन तो आप नेप्रोक्सिन आती है दोस्तों, उसमें कोई डोमप्रेडोन नहीं आता, सिर्फ नेप्रोक्सिन सोल्ट आता है, सिंगल सोल्ट में भी आती है, वैसे काफ़ी अच्छा रहता है डोमप्रेडोन के साथ। किस तरीके से काम करती है, देखिए ये कुछ केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करती है, जिन केमिकल मैसेंजर्स आपके जो दिमाग तक संकेत सिग्नल देते हैं जिसे आपको पता चलता है कि हाँ भाई दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, उन केमिकल मैसेंजर को ये बीच में ही रोक देते हैं जिसे आपको महसूस नहीं होता कुछ हो रहा है और आपकी जो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करके ये काम करती है। डोज की बात करें, देखिए दोस्तों वैसे जो इसकी डोज है ये पेशेंट की एज, वेट के ऊपर और उसकी जेंडर के ऊपर डिपेंड होता है कि कितनी डोज होनी चाहिए। वैसे इसकी जो 1000 मिलीग्राम तक आप दिन में यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब है 500 मिलीग्राम की दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, 1 मिलीग्राम की 1 ग्राम की टेबलेट आप दिन में 1 बार यूज कर सकते हैं, 24 घंटे में 1 बार ये डोज होती है। ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, जब भी आपको प्रॉब्लम हो उसी टाइम आप ले लीजिएगा एक टेबलेट, या फिर आप लगातार 3-4 दिन तक ले सकते हैं, कभी भी दिक्कत हो तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम खत्म होने पर तुरंत आप बंद कर सकते हैं, आदत तो इसकी पड़ती नहीं है। क्या सावधानियाँ है इसकी, देखिए सावधानी है कुछ इसकी, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग में और प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह से यूज़ कीजिएगा, अगर आपको इस टेबलेट से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप इस टेबलेट को यूज़ मत कीजिएगा, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। एल्कोहल के साथ इसका यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि रिएक्शन कुछ हो सकते हैं। दोस्तों इसके लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो उसको नींद आ सकती है, तो गाड़ी चलाते समय भी इसकी डोज नहीं लेनी चाहिए, ये कुछ इसकी सावधानियाँ है। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, देखिए साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि मुँह सूख सकता है लेने के बाद, या चक्कर आ सकते हैं, लाइट सरदर्द रह सकता है, पेट में लूज मोशन लग सकते हैं, दस्त लग सकते हैं, कब्जी हो सकती है, ये कुछ साइड इफेक्ट है इसके जो लेने के बाद हो सकते हैं, बस ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। दोस्तों ये 250 mg के अंदर भी आती है और 500 मिलीग्राम भी आती है, बहुत अलग ब्रांड भी आती है दोस्तों, अल्टरनेट ये नहीं मिले आपके एरिया में तो आप क्या ले, कोई भी दूसरी ले सकते हैं सेम सॉल्ट के अंदर, उसके अंदर नेप्रोक्सिन होना चाहिए बस 500 मिलीग्राम। जैसे कि नेक्स्ट डोम आती है 500 मिलीग्राम में, जो काफ़ी बढ़िया कंपनी में आती है सनफार्मा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो फुल रिव्यू था दोस्तों डोमिस्टाल एनपी 500 मिलीलीटर के बारे में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कौन सी मेडिसिन पे वीडियो देना चाहते हैं, वीडियो प्रोडक्ट।